डायमंडबैक रैटलस्नेक, जिसे ईस्टर्न डायमंडबैक रैटलस्नेक के रूप में भी जाना जाता है, फ्लोरिडा, जॉर्जिया और अलबामा, दक्षिण कैरोलिना और उत्तरी कैरोलिना के कुछ हिस्सों सहित दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल निवासी एक विषैली सांप प्रजाति है। डायमंडबैक रैटलस्नेक के बारे में कुछ प्रमुख विशेषताएं और जानकारी यहां दी गई हैं। स्वरूप, डायमंडबैक रैटलस्नेक उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े विषैले सांपों में से एक है। इसकी औसत लंबाई 3 से 5 फीट 0.9 से 1.5 मीटर और कभी कभी इससे भी अधिक हो सकती है। इसका शरीर मोटा है और इसकी पीठ पर हीरे के आकार का पैटर्न है जो इसे इसका नाम देता है। इसके शरीर पर तराजू उलटे उभरे हुए होते हैं और भूरे भूरे या भूरे रंग के संयोजन में रंगे होते हैं। अक्सर गहरे भूरे या काले हीरे के आकार के धब्बों के साथ हल्के रंग के तराजू से घिरे होते हैं। इसकी पूंछ खंडों से बनी एक खड़खड़ाहट के साथ समाप्त होती है जो हिलाने पर भिन्न भिनाहट की ध्वनि उत्पन्न करती है। जहर और बचाव, अन्य रैटलस्नेक की तरह डायमंडबैक रैटलस्नेक के पास रक्षात्मक तंत्र के रूप में जहर और उसकी पूंछ पर एक खड़खड़ाहट होती है। यदि धमकी दी जाती है या घेर लिया जाता है तो ये संभावित शिकारियों या मनुष्यों को दूर रहने की चेतावनी देने के लिए अपनी खड़खड़ाहट को हिला सकता है। यदि उसे अधिक उकसाया जाए या उसे घेर लिया जाए तो वह हमला कर सकता है और अपने लंबे खोखले नुकीले दांतों से जहर फैला सकता है। डायमंडबैक रैटलस्नेक का जहर शक्तिशाली होता है और मुख्य रूप से शिकार को वश में करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर काट लिया जाए तो यह मनुष्यों के लिए खतरनाक हो सकता है। आवास और क्षेत्र, डायमंडबैक रैटलस्नेक विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जाता है जिनमें देवदार के जंगल, झाड़ियाँ, दलदल और तटीय क्षेत्र शामिल हैं। ये अच्छी जल निकास वाली रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी को तरजीह देता है। इसकी सीमा दक्षिण पूर्वी उत्तरी कैरोलिना से फ्लोरिडा की तक और पश्चिम की ओर पूर्वी लुइसियाना तक फैली हुई है। आहार, डायमंडबैक रैटलस्नेक एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है जो मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों जैसे कृंतक, चूहे, खरगोश और पक्षियों को खाता है। इसकी नाक और आँखों के बीच गर्मी के प्रति संवेदनशील गड्ढे होते हैं जो इसे कम रोशनी की स्थिति में भी गर्म खून वाले शिकार का पता लगाने में मदद करते हैं। संरक्षण स्थिति, डायमंडबैक रैटलस्नेक को वर्तमान में निवास स्थान के नुकसान, मानव उत्पीड़न और सड़क मृत्यु दर के कारण कई राज्यों में एक खतरे वाली प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए इसे विभिन्न राज्य और संघीय नियमों के तहत संरक्षित किया गया है। जंगल में डायमंडबैक रैटलस्नेक क्रोटेलस एडमेंटस का सटीक जीवनकाल अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये औसतन 10 से 20 वर्ष के आसपास होता है। हालांकि कैद में जहां उन्हें शिकारियों से उचित देखभाल और सुरक्षा मिलती है, डायमंडबैक रैटलस्नेक काफी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। कुछ व्यक्तियों की उम्र 25 से 30 वर्ष या उससे भी अधिक हो सकती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डायमंडबैक रैटलस्नेक का जीवनकाल विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें आवास की गुणवत्ता, शिकार की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा, शिकार और बीमारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक विविधताएं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और प्रजनन सफलता जैसे कारक भी इन सांपों के जीवनकाल को निर्धारित करने में भूमिका निभा सकते हैं। जंगल में डायमंडबैक रैटलस्नेक का सामना करना खतरनाक हो सकता है और सावधानी बरतना और इन सांपों को खुली छूट देना महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां रैटलस्नेक मौजूद है तो सलाह दी जाती है कि आप स्थानीय सांप सुरक्षा के बारे में जानें और सांपों के साथ मुठभेड़ के जोखिम को कम करने के लिए उचित उपाय करें।